हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम आई यू आई गो प्लस के लेटेस्ट अपडेट की, जो कि बेस्ट है एम आई यू आई 14.0.5 स्टेबल पे और आ चुका है हमारे पोको एफ फोर के लिए। इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। अब अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस रोम के चेंज लॉग की। तो ये रोम आपको बेस्ट मिल जाता है एम आई यू आई ईयू 14.0.5.0 स्टेबल पे और इसमें आपको मोनेट एडेड देखने को मिलेगा। एम आई यू आई वाले ब्राउजर को हटा दिया गया है। इसके बाद 90 एफ पी एस रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोड वाला कंट्रोल सेंटर एड किया गया है और आपको मिल जाता है आई ओ एस स्टाइल लॉन्चर। इसके बाद क्रेडिट्स वाला सेक्शन आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे नोट्स में आपको क्लीन फ्लैश रिकमेंड किया गया है। अब बात कर लेते हैं लॉन्चर की। तो आपको ये मोडेड वाला लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें मोनेट थीम आपको देखने को मिल जाएगी और काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूजुअली एम आई यू आई लॉन्चर में मिलने वाले सभी ऑप्शंस तो आपको मिलेंगे ही, उसी के साथ और भी काफी ऑप्शंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। सभी को आप बड़े ही आराम से चेक कर सकते हो। न्यू अनलॉक एनिमेशन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर डोंट शो टेक्स्ट वाला भी एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे ग्रिड साइज भी काफी सारे ऐड किए गए हैं। इसके बाद गूगल सर्च बार से रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। एक न्यू वाले स्टाइल को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद सर्च बार का लेआउट आप देख ही सकते हो। और भाई, जब भी आप सर्च बार के स्टाइल वगैरह को चेंज करते हो तो चेंज करते से ही वो अप्लाई नहीं होगा, आपको एक बार लॉन्चर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा और लॉन्चर रिस्टार्ट करने वाला ऑप्शन भी आपको इधर बॉटम में ही मिल जाएगा। इसके बाद आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंट सर्च बार, सर्च बार ब्लर और भी भाई काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो इन्हें तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चेकआउट कर लेना। और रिसेंट पैनल के लिए आपको यहाँ पे आईओएस वाला स्टाइल भी एडेड देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे और भी काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लॉन्चर को रिस्टार्ट करने वाला ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इसके नीचे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वॉलपेपर्स के। तो भाई, गो प्लस वाले कुछ वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे आपको एनीमे में काफ़ी सारे वॉलपेपर्स एडेड देखने को मिल जाते हैं। 55 मतलब 55 वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे एडेड देखने को मिलेंगे। और इसके नीचे एम आई यू आई में जो यूजुअली मिलते हैं वो सब वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विडजेट्स की। तो एम आई यू आई 14 में आपको काफ़ी सारे विडजेट एडेड देखने को मिल जाते हैं। रिकमेंडेड के बाद कैटेगरीज में आपको ये कुत्ते बिल्ली भी देखने को मिल जाएंगे और ऊपर क्लॉक वाले विडजेट्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सुपर आइकन्स की। तो भाई, ये भी आपको एकदम फुली वर्किंग मिल जाते हैं। सुपर आइकन्स भी आप विदाउट एनी इश्यूज यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो एम आई यू आई वाला नॉर्मल कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एम आई यू आई लिका कैम आपको देखने को नहीं मिलता। 64 एमपी शॉर्ट्स भी आपको इसमें फुली वर्किंग मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K 60 FPS तक के ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। कैमरा के बाद बात कर लेते हैं गूगल फोटोज़ की। तो यहां पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा। अब चलते हैं सेटिंग्स में। तो मोनेट थीमिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। माई डिवाइस के आगे गो प्लस ऑफिशियल आपको लिखा देखने को मिल जाता है और इस सेक्शन में जाने पर कुछ इस तरीके का यूआई आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन वाले वॉलपेपर का मस्त प्रीव्यू यहाँ देखने को मिल जाता है। साइड में डिवाइस का इन्फो भी आप देख सकते हो। मेंटेनर का नेम भी चेक कर सकते हो। डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेसिफिकेशन में आपको बाकी का इन्फो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड आपको रोम मिल जाती है। सिक्योरिटी पैच मिलता है फरवरी 2023 का और जो कर्नल यूज किया गया है वो है पॉफ कर्नल। इसके बाद एम आई यू आई 14 में यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में भी सब कुछ आपको मिल जाता है और भी थीम्स वगैरह आप थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट में भी आपको ऑप्शन मिल ही जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको सब कुछ वर्किंग मिल जाएगा। डिस्प्ले में जाने पर आपको यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। रीडिंग मोड आपको मिलता है। कलर स्कीम में जाकर कलर कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हो। इसके बाद रिफ्रेश रेट में 90 हर्ट्ज वाला ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद एआई इमेज इंजन में आपको MEMC और AI HDR एनहेंसमेंट भी देखने को मिल जाते हैं।
नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में भी आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, और कंट्रोल सेंटर का जो नया वाला स्टाइल है ना, वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। जैसा कि चेंज लॉग में मेंशन किया गया था, मोडेड वाला यहाँ पे यूज किया गया है। और भैया आपको काफी स्मूथ मिल जाता है, स्क्रॉल करने पे आपको इसमें मस्त वाला बाउंसी इफेक्ट भी देखने को मिल ही जाता है। बट अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप ओल्ड वाला क्यूएस पैनल भी इनेबल कर सकते हो, मोनेट थीमिंग आपको इसमें भी देखने को मिल ही जाएगी। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। साउंड और टच के लिए अलग अलग सेक्शन आपको मिलता है। साउंड इफेक्ट में आपको डॉल्बी एटमोस भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी वाले सेक्शन में आपको सेव पावर, बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। और रोम के बैटरी बैकअप की बात करें तो FKM के बैटरी मॉनिटर को आप यहां पे चेक कर सकते हो। रोम फ्लैश करने के बाद एकदम नॉर्मल यूज ही मैंने किया है। उसके बाद जो एक्टिव ड्रेन यहां पे देखने को मिल रहा है वो है 10.02% और आइडियल ड्रेन है 0.32%। स्क्रीन ऑन, स्क्रीन ऑफ, डीप स्लीप और अवेक भी आप चेक कर सकते हो। ऐप्स में आपको डुअल ऐप्स और ऐप लॉक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में आपको ये सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्लोटिंग विंडो में आपको साइड बार वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अपने वीडियो ऐप्स को आप साइड बार के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और गेम्स को गेमिंग मोड में ऐड करने का ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है। साइड बार के नीचे कन्वर्सेशन बबल वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन में 5GB तक का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर सेकेंड स्पेस वगैरह वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डिवाइस का सर्टिफिकेशन की, तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस आपको सर्टिफाइड मिलेगा। इसके बाद सेफ्टी नेट चेकर से भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच दोनों यहां पे पास है, मतलब बैंकिंग ऐप्स रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं आएगा। अब चेक कर लेते हैं DRM इन्फो को। तो यहां पर वाइड वाइन में सिक्योरिटी लेवल L1 भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रोम के स्मूथनेस की, तो रिसेंट्स को मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लियर। ऐप्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग अब चेक कर लेते हैं। तो भाई ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन और स्पीड दोनों ही आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। रोम आपको सुपर स्मूथ मिल जाती है, UI में कोई लैग आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, और रैम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। रिसेंट पैनल का स्टाइल यहाँ पे मैंने iOS वाला सेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। क्रॉस वाले क्लियर ऑल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। और भाई काफी लोगों ने अभी तक यहाँ पे नोटिस कर ही लिया होगा कि ये जो हमारा स्टेटस बार वाला क्लॉक है, इसके बैकग्राउंड में हमें एक्सेंट कलर वाला चिप भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर्स की, तो स्टोक वाले पफ कर्नल के साथ सिंगल कोर स्कोर यहाँ देखने को मिलता है 971 और मल्टी कोर मिलता है 3219। इसके बाद CPU थ्रोटलिंग टेस्ट को 10 मिनट्स तक 100 थ्रेड्स पर रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रोटलिंग ग्राफ और GIPS स्कोर्स यहाँ पे मिले हैं। CPU थ्रोटल 292% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मतलब 8% का थ्रोटलिंग यहाँ देखने को मिला है। और इस टेस्ट को रन करने से पहले इस ऐप को मैंने गेम स्पेस में ऐड कर दिया था, क्योंकि तभी यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो जाता है 3.18 पे, अदरवाइज ये 2.74 पे ही रहता है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग की, तो सबसे पहले तो आपको बाय डिफॉल्ट स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक के, मतलब 60 FPS तक के ही ऑप्शन अनलॉक देखने को मिलते हैं। अगर आप 90 FPS अनलॉक करना चाहते हो फिर तो आपको कोई मैजिक मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 90 FPS में गेमिंग विदाउट एनी डाउट आप इस रोम पे ट्राई कर सकते हो। MIUI वाला गेम टर्बो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके सभी ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और FPS मीटर भी आपके सामने है, यहाँ से FPS भी आप चेक कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो।